बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इंटरनेट से जुड़ी कुछ 10 ऐसे वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा जो आप आज से पहले उम्मीद करता हूं कि नहीं जानते होंगे। इंटरनेट पर मौजूद 10 ऐसे यूजफुल वेबसाइट हैं जो आपके कई काम को आसान कर देता है और आसान बना देता है। आजकल इंटरनेट कौन यूज नहीं करता है, अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से हर कोई इंटरनेट यूज करता है और अपने अपने टॉपिक पर सर्च भी करता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट पर कई ऐसी वेबसाइट मौजूद है जो आपके लिए काफी यूजफुल है। आज मैं आपको 10 ऐसी यूजफुल वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उस 10 वेबसाइट के बारे में जानते हैं कि आखिर वो 10 वेबसाइट कौन सा है और क्या क्या काम में हमें यूज में आता है। तो मान लीजिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पर मैं यहाँ पे रखा हूँ office.com। ये देखिए क्या है कि हम मान लीजिए कहीं पास जाते हैं और हमारे पास लैपटॉप नहीं रहता है, हमारे पास मोबाइल एनी टाइम अवेलेबल रहता है। तो मान लीजिए मैं किसी काम को अगर ऑफिस में किया हूँ तो उसको मैं इंटरनेट पे अगर चाहता हूँ कि अगर तत्काल मेरे को काम करना है तो इस office.com पर जाकर के हम उसको काम को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट में। देखिए यहाँ पास आना है और आपको यहाँ पास सिंपल सा साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद आप आसानी से जिस तरीके से आप इंस्टॉल वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करते हैं उसी तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर का जो है वेबसाइट वो है CV Maker। ठीक है, ये रिज्यूम बनाने में हमें काम आता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमें रिज्यूम बनाने में काम आता है। रिज्यूम बनाने के लिए हमको बहुत सारे नौकरी और पैसा में इंटरव्यू या कहीं पर सबको जाना रहता है, रिज्यूम की जरूरत पड़ता है तो हमको रिज्यूम बनवाने जाना पड़ता है किसी और के पास। हम खुद से भी उस रिज्यूम को बना सकते हैं। उस रिज्यूम CVMaker.com पर जाएंगे और यहाँ देखिए यहाँ पास क्रिएट ए CV नाउ लिखा है, यहाँ पास दिख रहा है क्रिएट ने CV नाउ, इस पर आपको जाना है और आप आराम से इसमें क्लिक करके आप अपना CV बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ पास इस फॉर्म को भरते जाइए और आपका CV बन करके आसानी के साथ में तैयार हो जाएगा। अब अगला टॉपिक पे हमारे पास जो है हमारा अगला वेबसाइट है वो है फोटोशॉप। मान लीजिए अगर आपके कंप्यूटर में फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप फोटोपे पे आप जाकर .com पर जाकर के आप आसान तरीके में फोटोशॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पास फोटोशॉप का लगभग सारे टूल यहाँ पास मिल जाता है। ठीक है, सारे टूल आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए मैं अभी आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ, यहाँ पास देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से फोटो पे है। आप इसमें आराम से न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर आ करके आप न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद देख लीजिए इस तरीके से, थोड़ा हमारा सिस्टम स्लो है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ सारा टूल और प्रीसेट भी हमको मिल जाता है। ठीक है, आप जिस तरीके से आप यहाँ पास बनाना चाहें उसका हाइट वेट न्यू प्रोजेक्ट करके आप यहाँ पास बना सकते हैं। तो अगला वेबसाइट के बारे में बताता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वायरस टोटल है, सॉफ्टवेयर के वायरस को चेक करने के लिए हम लोग इंटरनेट से बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी उसके साथ में हमारे पास वायरस भी आ जाता है। तो अगर उसको अगर हम चेक करना चाहें कि क्या उस सॉफ्टवेयर के साथ में कोई वायरस भी आया है तो हम यहाँ पास virustotal.com पर जाकर के हम उसको चेक कर सकते हैं कि इसमें वायरस है या अभी नहीं है। इस virustotal.com आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, देखिए अभी यहाँ पास इस तरीके से खुल रहा है, थोड़ा नेट स्लो है। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए चॉइस फाइल दिया हुआ है, इस चॉइस फाइल में आप क्लिक करके आपका जो भी अंदर चला जाएगा डेस्कटॉप में चला जाएगा और वहाँ पर जो भी फाइल है या फोल्डर है जो भी आपका डाउनलोड किया हुआ सॉफ्टवेयर है उसको आप यहाँ पास क्या करते हैं ड्रैग करके आप उसको उसके बारे में जितना भी वायरस वगैरह है अगर नहीं है तो भी बताएगा, अगर वायरस है तो भी बताएगा, वो स्कैन कर लेगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगला जो वेबसाइट है वो है camel3time camel.com। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को आप अमेजोन से खरीदते हैं और उसका प्राइस को आप सेव करना चाहते हैं, यानी किसी सामान का अगर 10 रुपया है आप उसको 8 रुपया में खरीदना चाहते हैं तो इसमें जाकर के आप camel3time.com पे आप जाकर के चेक कर सकते हैं उसका सही प्राइस क्या है। इस तरीके से यहाँ पास देखिए ओपन होगा। ठीक है, ये हमारा camel3time.com ओपन हो चुका है। यहाँ पास जो प्रोडक्ट है उसका आप यहाँ पास चेक कर सकते हैं, अमेजोन का फ्लिपकार्ट का किसी भी प्राइस को आप यहाँ से वैल्यू कम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में फुल डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पर मैं जो वीडियो वेबसाइट को रखा हूँ वो है newwalker.com। JPG PDF को टेक्स्ट में अगर बदलना है आपको, मान लीजिए किसी भी आपके पास अगर कोई PDF है अगर आप उसको टेक्स्ट में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास जा सकते हैं newwalker.com पे जाकर के आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पास आपको इस तरीके से दिखेगा, देख लीजिए अभी दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पास देखिए चॉइस फाइल दिया हुआ है, आप इस पर जाकर के क्लिक करेंगे तो आपका ये
अंदर चला जाएगा डेस्कटॉप में, आपके जो भी सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, सारे ड्राइव आपको दिखने लगेगा। जहाँ भी आप रखे हैं उसको आप आसानी से उसको आप चॉइस करके पीडीएफ को आप यहाँ पास इंसर्ट कर लीजिए और वो ऑटोमेटिक आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो आपको दे देगा। अगला जो है हमारे सातवें नंबर पे वो है देख लीजिए वेटरनेस फेयर, ठीक है। यानी बड़ा फाइल को जीमेल या किसी दूसरे को अगर भेजना है तो आप 100 MB 200 MB तक तो भेज सकते हैं आसानी के साथ, लेकिन अगर 1 GB 2 GB है, अगर डाटा हो जाता है, कोई सॉफ्टवेयर है, किसी फाइल को अगर आपको सेंड करना है, किसी दूसरे को देना है जीमेल के माध्यम से, तो आप उसे नहीं दे सकते। लेकिन आप यहाँ पास जो वेटरनेस फेयर है .com इस पर आप जा सकते हैं और इसमें बड़ा से बड़ा फाइल को आप वहाँ पास उसको जीमेल के माध्यम से या किसी और तरीके से किसी भी को आप वहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं या भेज सकते हैं। ये देखिए हमारा वेबसाइट इस तरीके से दिखता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है उसके लिए माफी। इस तरीके से अब यहाँ पास एक्सेप्ट करेंगे हम, इस तरीके से एक्सेप्ट करने के बाद हमारे पास एक नया विंडो खुल करके आएगा सामने। तो देखिए धीरे धीरे खुल रहा है, थोड़ा हमारा सिस्टम स्लो है, नेट भी स्लो है, ठीक है। यहाँ पास एग्री कीजिए इस तरीके से और यहाँ पास ईमेल और टाइटल को दे करके आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पास आप फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप फाइल अपलोड कीजिए और उसका ईमेल जिसको भेजना है और अपना ईमेल और टाइटल और मैसेज लेकर के आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो वेबसाइट है हमारे पास वो देखिए है bugmanual.com। ये यानी मान लीजिए अगर किसी भी ये उस चीज़ में काम आता है, मान लीजिए किसी वेबसाइट पे आप गए हैं और वहाँ पे आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है और आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाना है, तो उसका टेंशन में क्या है कि उसका जो यूआरएल है उसको आप यहाँ पास ला करके डोमेन यूआरएल कॉपी करके यहाँ पास पेस्ट कर दीजिए तो आपको एक डमी यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप उसमें जा करके लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा इस बात को समझ गए होंगे। अब जो नवे नंबर पे है sapdoc.com, यानी इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी का अर्थ आपको जानना है, ठीक है, किसी भी शब्द का अर्थ जानना है तो आप इस वेबसाइट में आइए, ठीक है, शब्दकोश.com में आइए और यहाँ पे आप मान लीजिए अभी मैं यहाँ पास टाइप किया हूँ वाटर, अब इस वाटर से रिलेटेड यहाँ पास आ गया, इसमें आप इस तरीके से सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद देखिएगा वाटर से रिलेटेड, वाटर पानी क्या क्या है उसका पूरा चीज़ आपको यहाँ पास बता देगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉन क्या है, वर्ब क्या है, पूरा चीज़ आपको यहाँ पास शब्दकोश में मिल जाएगा। तो ये यूजफुल वेबसाइट है। और जो दसवें नंबर पर हमने वेबसाइट को रखा है ये खास करके स्टूडेंट के लिए है, ये हमारा दसवें नंबर का जो वेबसाइट है ये खास करके स्टूडेंट के लिए है। इसमें क्या है कि करेंट अफेयर्स और जॉब से रिलेटेड जानकारी, न्यूज़ आप इसमें आराम से हिंदी में पा सकते हैं, ये देखिए आसानी के साथ में आराम से ए एग्रोजर स्कूल बोर्ड क्या क्या है पूरा चीज़ यहाँ पास, ब्राउज स्कूल बोर्ड सब कुछ इसमें जान सकते हैं। करंट अफेयर ये खास करके स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो आज का उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो एक दूसरे के पास शेयर कीजिएगा। और ये हमारा चैनल है, इसमें आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, ये हमारा चैनल है। और इस तरीके से यहाँ पास रेड कलर में देखिए सदस्यता लें और अगर आपका इंग्लिश में है तो यहाँ पास सब्सक्राइब नाउ लिखा होगा, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत सारा मैं वीडियो बनाया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड, आप उसको देख करके सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ इसी तरीके से अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।